इंदौर जिले की सभी तहसील जूनी इंदौर कनाडिया बिचोली हप्सी मलारगंज खुड़ेल राऊ डॉक्टर अंबेडकर नगर महू सांवेर दयालपुर व हाथौद में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9425046807। सरकार ने 1 मार्च से प्रदेश में महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत कर दी है। नगर भाजपा के अध्यक्ष गौरव रणदीवे और महापौर पुष्यमित्र भार्गव की मौजूदगी में राजवाड़े पर एक जश्न मनाया गया। भाजपा ने कल शाम राजवाड़ा पर लाडली बहन योजना को लेकर जश्न मनाया और देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महापौर पुष्यमित्र भार्गव नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे निरंजन सिंह चौहान नंदकिशोर पांड्या अश्विन शुक्ल राजेश जैन यहाँ मौजूद रहे, जबकि पार्षदों में शिखा दुबे कंचन की दीवानी पूजा पाटीदार रूपाली पेंडारकर प्रणव मंडल संध्या यादव की यहां देखी गई। 64 पार्षदों में मुश्किल से 15 पार्षद ही भाजपा के इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। महापौर ने कहा कि सरकार की इस योजना का लाभ हजारों महिलाओं को मिलेगा। बजट में कई प्रावधान नागरिकों के हित के लिए किए गए हैं। जल्द ही योजनाओं के तहत आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। नगर निगम आंगनवाड़ी के अलावा भाजपा के कार्यकर्ता योजना के लिए अलग अलग क्षेत्रों में सर्वे करेंगे। टीम भारती न्यूज चौहान, जो कि महिलाओं के सम्मान के लिए अपने पहले दिन से काम कर रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना हो या अब ये लाडली बहना योजना, जो महिलाओं के मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और साथ ही पढ़ने को आगे बढ़ाने के लिए जो ई स्कूटी दी जाएगी, मुझे लगता है वो भी मध्य प्रदेश की हमारी बहनों को शिक्षा का स्तर ऊंचा करने में बहुत योगदान देगी। मांझियों ने कहा कि मामा ने बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले बहुत बड़ी सौगात दे दी है, अब तो आज रात में पढ़ाई करेंगे। नहीं, निश्चित तौर पे आपने कभी देखा हो तो घर के माता पिता ये कहते हैं कि अगर पास हो जाओगे तो स्कूटी दिलाऊंगी, और हमारे मामा जी तो परीक्षा के पहले कह रहे हैं कि सबको स्कूटी मिलेगी। तो ये आगे बढ़ने की लालसा और आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है, इसीलिए जो मध्य प्रदेश में पुरुष और स्त्री का भेद था उसको कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन योजनाओं ने निभाई है। नगर निगम द्वारा योजनाओं को समय से और सब तक पहुंचाने का काम नगर निगम करेगी। रणदीप भाजपा महिला योजना। आज मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से एक ऐतिहासिक दिन है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना का बजट में प्रावधान करते हुए उसकी ऑफिशियल एक तरह से घोषणा की। लाडली लक्ष्मी को भी और समृद्ध बनाने के लिए उसका भी बजट में प्रावधान किया है। साथ ही साथ हमारी ऐसी बहनें जो शिक्षा अर्जित करेंगी और अच्छे अंक लाएंगी उनको भी स्कूटी देने का जो उन्होंने उनको प्रोत्साहन करने का जो एक कदम बढ़ाया है, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की हमारी सभी ऐसे बहनों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए एक ऐसा कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है कि आज का दिन महिला सशक्तिकरण के नाते माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया एक ऐतिहासिक दिन। आज मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से एक ऐतिहासिक दिन है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना का बजट में प्रावधान करते हुए उसकी ऑफिशियल एक तरह से घोषणा की। लाडली लक्ष्मी को भी और समृद्ध बनाने के लिए उसका भी बजट में प्रावधान किया है। साथ ही साथ हमारी ऐसी बहनें जो शिक्षा अर्जित करेंगी और अच्छे अंक लाएंगी उनको भी स्कूटी देने का जो उन्होंने उनको प्रोत्साहन करने का जो एक कदम बढ़ाया है, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की हमारी सभी ऐसे बहनों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए एक ऐसा कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है कि आज का दिन महिला सशक्तिकरण के नाते माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया एक ऐतिहासिक दिन। गौरव रणदीवे भाजपा। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।